काशी आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, काशी आकर बहुत खुशी हुई। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का शुभारंभ उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि काशी सबसे प्राचीनतम नगरी है। इस काशी नगरी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। हिंदुत्व की बयार के प्रथम आग लगाने वाली जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम काशी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, यहाँ पर दिव्यता है, अखंडता है। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में उन्होंने कहा कि कानून अपना कार्य कर रहा है, फैसला अभी अदालत में है, भोले बाबा निकल चुके हैं, जो भी फैसला आएगा वो सभी को मंजूर होना चाहिए। भारत देश का गौरव है, जिस गौरव के कारण पूरे विश्व की प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ है, जहां वरुणा गंगा 80 इसके किनारे पर विराजमान है वाराणसी। ऐसे पावन तीर्थ में दास का आना हुआ, बुरा ना माने तो एक बात कहें, हिंदुत्व की बयार की प्रथम आग लगाने वाले जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम है काशी। तो आकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, प्राचीनता है, दिव्यता है, अक्खड़ है और पक्कड़ भी। कहते हैं काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसलिए अक्खड़ भी पक्कड़, जैसा कि आपने बताया। तो इस समय कि आप एक संत हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस समय ज्ञानवापी को लेकर एक लड़ाई चल रही है कोर्ट में भी और हिंदू धर्म को जी, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? कानून अपना कार्य कर रहा, यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे, अभिषेक हम आप करेंगे और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने विस्तारीकरण किया है, किस तरीके से? माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक होता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का कल्याण। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय। सदियों बाद माँ गंगा और काशी विश्वनाथ का मिलन हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं, सदियों बाद हुआ है। लेकिन ये भी तब देखो, सेतु का कार्य कोई ना कोई करता है। रावण उस तरफ था, राम जी इस तरफ थे, वहाँ विभीषण रहते थे, वहाँ भक्तों को मिलने के लिए, राम जी को जाने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा। सेतु का अर्थात है पुल। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सेतु बने हैं गंगा और विश्वनाथ के मिलन के लिए। 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला विराजेंगे जी, बिल्कुल आएंगे। रामलला आ चुके हैं, रामलला विराजमान होंगे और फिर काशी का जय जयकार होगा। और अभी मथुरा छोड़ दिए हो आप, मथुरा में भी होना है। गुरुजी बताइए कि आपको सुनने के लिए लगातार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जो आप बताते हैं उनके जीवन में वो घटित होता है, तो इसके पीछे जो क्या आपको दिव्य शक्ति है या भगवान की कोई ऐसा आशीर्वाद है? यह है बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा है। 320 वर्ष प्राचीन स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हमारी परंपरा में यह दरबार जो हनुमान जी की कृपा है। हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारण से एक ब्राह्मण मानव बालक हैं। सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं, इसके बाद में हम कुछ और हैं। जो बालाजी की प्रेरणा होती है वो हम कह देते हैं और भगवत कृपा से वो सही और सिद्ध निकलता है। यानी कि आपके मुखांड बिंदु से बालाजी की जो आशीर्वाद है वो निकलता है जी, बस यही मानिए, गुरु कृपा, अंतरंग भाव में जो प्रेरणा आती है हम उसको बोलते हैं।